हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक, गोइंग टू प्रेजेंट माय लेक्चर ऑन इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी। आज के अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डांस के बारे में और फोक डांस के बारे में, या नृत्य कला के बारे में और लोक नृत्य के बारे में। जैसा कि मैंने नृत्य के साथ कला शब्द का प्रयोग किया है, ये इंडिकेट करता है कि डांस भी आर्ट का एक पार्ट है, या डांस जो है वो कला का ही एक फीचर है, कला का ही एक पार्ट है। तो आइए बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज के हमारे टॉपिक में कवर होगा डांस एंड फोक डांस, मतलब नृत्य और लोक नृत्य। यही दो टॉपिक आज हम कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले हम चर्चा करते हैं डांस के बारे में कि नृत्य वास्तव में है क्या और इसका उद्भव कैसे हुआ। दुनिया में नृत्य की तकरीबन 30 विधाएं प्रचलित हैं। इन 30 विधाओं में फोक डांस, रॉक डांस, हिप हॉप डांस और उसके साथ साथ जो है क्लासिकल डांस जैसी विधाएं हैं। अगर आप लोगों की बात करें, मॉडर्न इंडियंस यूथ की बात करें, तो वो रॉक डांस, पॉप डांस और हिप हॉप डांस से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। लेकिन ये सारी विधाएं जो है वो पश्चिम की देन है। रॉक डांस, पॉप डांस जो लेडी गागा करती हैं, और या हिप हॉप डांस जो कि आज के बॉलीवुड फिल्म्स का, या रॉक डांस जो तेजी से साउंड बजा के किया जाता है, वो आज की मूवीज का जो फीचर्स है वो वास्तव में भारतीय नृत्य शैली नहीं है। प्राचीन भारतीय नृत्य शैली में दो तरह के डांस प्रचलित हैं, एक है फोक डांस और दूसरा है क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस के बारे में आज यहाँ पे बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे फोक डांस या लोक नृत्य के बारे में। ये आपके यूनिट 5 का एक टॉपिक है और हर राज्य वाइज हम यहाँ पे कवर करेंगे कि किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन ऑफ द डांस। जो डांस है या नृत्य कला है, इसकी ओरिजिन होती है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। ये एक संस्कृत ग्रंथ है नाट्य शास्त्र नाम का, जिसके राइटर हैं भरत मुनि। इन्होंने अलग अलग कई विधाओं के नृत्य की बात इसमें की है, या इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। ये जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, वास्तव में इससे ओरिजिन जो है, इससे जो उत्पन्न होने वाला डांस है, उसको बोलते हैं क्लासिकल डांसर्स। तो इस तरह से एंशियंट इंडियन डांसर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है क्लासिकल डांसर्स और दूसरा है फोक डांस या लोक नृत्य। ठीक है, अब क्लासिकल डांस का आठ तरीका है, आठ तरह का क्लासिकल डांस होता है, जबकि फोक डांस कई तरह से होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या मेजर डिफरेंसेस हैं क्लासिकल डांसर्स और फोक डांसर्स में। बेसिकली क्लासिकल डांसर्स जो होते हैं वो एंशियंट इंडिया के टेक्स्ट या उस समय के स्क्रिप्चर्स की कहानियों पर आधारित होते हैं। मतलब जो प्राचीन भारत है, उस समय के पुराण, उस समय के टेक्स्ट, उस समय की संस्कृत की किताबें, उस समय की पौराणिक कथाओं की कहानियों पर आधारित जो डांस होता है उसे बोलते हैं क्लासिकल डांसर्स। जबकि फोक डांस ऐसे किसी कहानी पर आधारित नहीं होता, यह पर्टिकुलर राज्य के त्यौहार या किसी उत्सव के अवसर पर किया जाता है। दूसरा जो डिफरेंस है क्लासिकल डांस और फोक डांस में, क्लासिकल डांस को परफॉर्म करने के लिए एक वेल डिफाइंड तरीका है, इसको सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, फोक डांस उतने टफ नहीं होते हैं। तीसरा जो बात है वो है क्लासिकल डांस के बारे में, कि क्लासिकल डांस ज़्यादातर सोलो डांस होते हैं, या इसमें बहुत ही कम लोग भाग लेते हैं, 2, 4, 5, 6, 7 ऐसे, ज़्यादातर इससे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। जबकि फोक डांसर्स में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे भांगड़ा, गिद्दा, नौटंकी, ये सारा आपने देखा होगा, रासलीला, ये सारे फोक डांस के एग्जाम्पल हैं। क्लासिकल डांसर्स के एग्जाम्पल्स की बात करें तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ये सारे क्लासिकल डांसर्स के एग्जाम्पल हैं। क्लासिकल डांसर्स के एक स्पेसिफिक कपड़े हैं और इसको परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। फोक डांस में ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी अवसर या किसी भी मौके पर इसको परफॉर्म किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक तैयारी नहीं करनी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्लासिकल डांस क्या है
और फोक डांस क्या है। क्लासिकल डांस का आधार है हिंदू पौराणिक कथाएं। इसमें जो जो लोग परफॉर्म करते हैं वो अपने डांस के माध्यम से किसी न किसी पुरानी कथा या पौराणिक कथा का एक तरह से स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। फोक डांस ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, ये बेसिकली किसी उत्सव के उपलक्ष्य में खुशी मनाने का एक तरीका है और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। आइए चलते हैं और बात करते हैं राज्यवार फोक डांसेस या लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो चर्चित या प्रचलित लोक नृत्य हैं उनका नाम है रासलीला, ददरा, नौटंकी एंड कजरी। अगर आपसे यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे तो बनेंगे कि स्टेट वाइज पूछेगा कि रासलीला किस प्रदेश का नृत्य है, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे और उनको टिक करना होगा या उनके बारे में लिखना होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि कैसे परफॉर्म किया जाता है और क्या इसकी विधा है, इसको परफॉर्म करने वाले लोग कौन होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो आइए जान लेते हैं रासलीला के बारे में। ये रासलीला, आपको पता होगा रासलीला ब्रज से संबंधित है और भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो डांस विद द करेक्टर ऑफ राधा कृष्ण एंड गोपीज, ये रासलीला जो है, जो भी व्यक्ति करते हैं इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें एक आदमी राधा का करेक्टर, एक या एक फीमेल राधा के करेक्टर में होती है, कोई एक आदमी कृष्ण के करेक्टर में होता है, बाकी सारी लड़कियां जो है गोपी बनी होती हैं और उनके बीच में ये जो डांस करते हैं एक स्पेसिफिक तरह का उस समय के ब्रज का कपड़ा पहनकर, उसे बोलते हैं रासलीला। यह उत्तर प्रदेश की एक नृत्य विधा है जो कि लोक नृत्य है। दूसरा है ददरा, यह सेमी क्लासिकल फोक डांस ऑफ अवध यूपी है, ठीक है। लखनऊ में बेसिकली किया जाता है ददरा और ठुमरी, ये आपको पता होगा। ये एक्चुअली जो है ये अवध के या लखनऊ घराने से शुरू हुआ था, तो ददरा जो है इसीलिए इसको सेमी क्लासिकल भी कहते हैं। पूरी तरह से इसे फोक डांस नहीं कहते क्योंकि इसका कुछ तरीका है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में खासकर होता है और ये जो है उत्तर प्रदेश का एक फोक या सेमी क्लासिकल डांस है। नौटंकी से उत्तर प्रदेश का हर आदमी परिचित होगा, तो नौटंकी इसमें कई लोग पात्र बनते हैं, कई लोग करेक्टर प्ले करते हैं और एक कोई ना कोई कहानी दिखाई जाती है, वो कोई भी कहानी अच्छी बुरी हो सकती है। कजरी, आपको पता होगा ये एक जो है गाना गाते हुए स्त्रियां इसको परफॉर्म करती हैं, खासकर औरतें जो है शादीशुदा औरतें कुछ गाते हुए जो है इस पे डांस करती हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। देखिए अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नृत्य के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो ये नृत्य हैं इनके जो शब्दावली है या इनका जो वैकोबुलरी है ये कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस हो सकती है। हो सकता है अलग स्टेट के किसी फोक डांस के बारे में हम बात कर रहे हों तो उनका प्रोनंसिएशन या उनका उच्चारण थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो इसको अगर उस स्टेट का कोई देख रहा है, अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो इसके लिए सॉरी और इसको सुधार सकता है। अब चलते हैं हम बिहार के बारे में बात करते हैं। बिहार हमारा पड़ोसी स्टेट है, यहाँ पे जो चर्चित फोक डांसेस हैं वो हैं जाट जाटिन, विदेशिया, झुमरी, शोहर एंड जिजिया, ठीक है। इसके अलावा बिरहा और फगवा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जाट जटिन की। इट इज़ ए फोक डांस ऑफ मिथिला रीजन, जो मिथिला प्रदेश है, बिहार का जो मिथिलांचल एरिया है या मिथिला है उसके आसपास जाट जटिन नाम का ये फोक डांस होता है। इट शोज अफेक्शन एंड क्वारल ऑफ द मैरिड कपल। इस डांस में एक शादीशुदा जोड़े के अफेक्शन, स्नेह और लड़ाई झगड़े के बारे में दिखाया जाता है। मतलब ये मिथिला का एक डांस है जिसमें एक शादीशुदा जोड़े के बीच में जो आपस में रस्साकसी होती है, कभी प्यार, कभी दुलार, कभी लड़ाई, कभी खींचातान, वो दिखाया जाता है इस डांस के माध्यम से। एकदम प्रैक्टिकल जीवन पर आधारित है जाट जटिन, मिथिला का फोक डांस है बिहार में, ठीक है। विदेशिया, बेस्ड ऑन द सोशल इविल्स, जो समाज में बुराइयां हैं जैसे दहेज है, जाति प्रथा है, छुआछूत है, इन सब को डांस के माध्यम से इंडिकेट करते हुए दिखाया जाता है कि सोसाइटी में कैसे व्याप्त है। ये विदेशिया नाम का एक डांस है। अगर कोई बिहार से आता हो बेसिकली, या किसी को अगर फोक डांसेस में जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उसने दो नाम सुने होंगे। एक है श्रीमती शारदा सिन्हा जी और दूसरा नाम है भिखारी ठाकुर साहब। तो भिखारी ठाकुर और शारदा सिन्हा ये दोनों लोग थे। आप अगर भिखारी ठाकुर को सुनेंगे या उनके डांसेस देखेंगे तो आप देखेंगे कि उनके गानों और डांसों में जो समाज की कुरीतियाँ हैं,
समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उसको बहुत ही गजब ढंग से जो है टारगेट किया गया है। इस विधा के ये दोनों लोग बेहतरीन डांसर और गायक भी थे। तो आप कभी कभी मौका मिले तो इसको थोड़ा सा जानने के लिए शारदा सिन्हा और भिखारी ठाकुर को देख सकते हैं। आगे चलते हैं झुमरी के बारे में। ये गुजराती जो गरबा होता है उसी की तरह सिमिलर एक जो है डांस है, झुमरी नाम है इसका, या झुमरी नाम है, बिहार में परफॉर्म किया जाता है। शोहर इससे तो ज़्यादातर लोग परिचित होंगे, उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन बेसिकली ये बिहार का फोक सॉन्ग है, बिहार का फोक डांस है, सॉरी, ये बिहार का फोक डांस है जो बच्चे के जन्म पे क्या होता है, किया जाता है, गाया भी जाता है और फिर डांस भी किया जाता है। झिझिया ये बरसात के टाइम पे होता है, ठीक है, जब बरसात शुरू होती है या होने वाली होती है तो झिझिया होता है। इसके अलावा बिरहा और फगुआ, बिरहा और फगुआ गाए जाते हैं और गाने के साथ डांस होता है। तो ये जो है आपको पता होगा बलेश्वर बलेश्वर यादव जी, ये बिरहा के बहुत चर्चित गायक हुआ करते थे। फगुआ फागुन मतलब फरवरी के महीने में जब प्रेमोत्सव शुरू होता है तब उसी समय ये जो है फाग गाया जाता है, इसको फाग या फगुआ बोलते हैं, होली के पहले और बसंतोत्सव के पहले, ठीक है, ये जो है बिहार में ये परफॉर्म किया जाता है। वास्तव में वो उत्तर भारत में ज़्यादातर जगह पर परफॉर्म किया जाता है, लेकिन बेसिकली इसका जो ओरिजिन है वो बिहार से है, इसीलिए इसको बिहार में काउंट कर लिया जाता है। अब अगले चलते हैं हरियाणा पे। हरियाणा का जो पहला फोक डांस है वो है लूर, ये लड़कियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसमें लड़के नहीं इन्वॉल्व होते हैं। फाग ये वही फगुआ जैसा ही है, एग्रीकल्चर फोक है, ठीक है, जब फसल कटती है चैत्र में तो उसके बाद ये जो है ये लोक नृत्य हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है। गुग्गा ये डिवोशनल फोक है, इसमें डिवोशनल या भक्ति को दिखाया जाता है एक डांस के माध्यम से और कुछ गाने के माध्यम से। ये गुग्गा एक नाम से हरियाणा का एक जो है फोक डांस है। इसके अलावा झूमर दापा कोरिया और धमाल, ठीक है, ये हरियाणा के जो है चर्चित जो है वो क्या है डांस है। झूमर डप कहीं कई जगह पे इसको डप बोलते हैं, कई जगह पे डाप बोलते हैं, उसके बाद खोरिया, उसके बाद धमाल, ये हरियाणा के जो है हरियाणा राज्य के जो है वो क्या है फोक डांसेस है। अब चलते हैं आपको लेके जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा चर्चित है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट डांस है रौफ, इसको याद रखिएगा, रौफ ये कश्मीर में परफॉर्म किया जाता है और कश्मीरी महिलाएं या कश्मीर घाटी की महिलाएं इस डांस को परफॉर्म करती हैं, जो जो कश्मीर हमारी तरफ है वो भी और जो उधर की तरफ है जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वहां की भी महिलाएं इस डांस को परफॉर्म करती हैं जिसको बोलते हैं रौफ। उसके बाद है अगला डांस है दमाली या धाम वाली, ठीक है, ये दामली या धाम वाली, ठीक है। तो ये जो है मेंस के द्वारा होता है, ये आदमियों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जब कोई सूफी फेस्टिवल्स होते हैं तब ये जो है कश्मीर के आदमियों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। वास्तव में सूफी मत को मानने वाले लोग अपने फेस्टिवल के अवसर पर धाम वली या दामली नाम का जो ये फोक डांस है ये करते हैं। अगला है धूमल, ठीक है, इसको धूमल जो है ये वाटल जाति की जनजाति है, वाटल जनजाति के लोग जो है इसको परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक और फोक डांस होता है जिसका नाम है हीकट। आप सारे नाम और उनके प्रदेश वाइज इनको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में भी 2-4 क्वेश्चन इससे पक्का आने हैं। अब चलते हैं लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन सा, आपको पता होगा लद्दाख में जो है बौद्ध मेजोरिटी स्टेट है, तो यहाँ पे जो डांस होते हैं वो है जाब्रो। सबसे जो चर्चित डांस है वो है जाब्रो, ये तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत पे किया जाता है। तिब्बती जैसे ईसाई नव वर्ष होता है 1 जनवरी से, जैसे हिंदू नव वर्ष होता है वसंत के टाइम पे, जैसे कि हिजरी नव वर्ष होता है हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना यात्रा पर, वैसे ही तिब्बतीय न्यू ईयर जब पर ये डांस होता है जिसको बोलते हैं जाब्रो। इसी तरह से दूसरा डांस है चाम, ये कंपोनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन इन लद्दाख। बुद्धिस्ट का मतलब बौद्ध लोगों के द्वारा अपना सेलिब्रेशन करते वक्त जो है ये चाम किया जाता है, ये छाम बोलते हैं, कई जगह इसको झाम भी बोलते हैं, तो ये लद्दाख का एक
बहुत ही चर्चित फोक डांस है। उसके बाद है शोंडॉल, ठीक है, ये रॉयल डांस ऑफ द लद्दाख है। जब राजा लोग थे लद्दाख में या जम्मू कश्मीर स्टेट में, तब ये डांस वहाँ पे किया जाता था। अब तो राजा नहीं रहे, लेकिन ये डांस जो है अभी भी रॉयल डांस ऑफ लद्दाख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डोगरा रेजिमेंट हुआ करती थी, डोगरा राजवंश के लोग ही जम्मू कश्मीर में राज्य करते थे। तो यहाँ पे बौद्ध मत के ज़्यादातर लोग थे, तो ये शोंडॉल या शोंडॉल नाम का जो ये डांस है, ये रॉयल डांस के रूप में चर्चित है। उसके बाद है स्पाओ, कोशन, लारना, इस तरह के कई सारे डांस जो है वो फोक डांस जो है लद्दाख रीजन में होता है। स्पाओ, कोशान, लारना, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले स्टेट में, जो कि है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये भी अपनी खूबसूरती के लिए चर्चित स्टेट है। यहाँ का जो सबसे पहला चर्चित डांस है वो है चारवा, ये होता है दशहरे पर। जब दशहरा होता है तब ये डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसको बोलते हैं चारबा। दूसरा है चाम, ठीक है, चाम या छाम, और ये बुद्धिस्ट मंक, ये वही जम्मू कश्मीर का, थोड़ा सा स्पेलिंग अलग है दोनों में, लेकिन दोनों ही एक तरह से होते हैं। ये भी बुद्धिस्ट मंक या बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। हिमाचल में बौद्ध बड़ी संख्या में रहते हैं, धर्मशाला जैसी जगह पे, ठीक है, धर्मशाला जिला बौद्ध मेजोरिटी का ही हो गया इस समय। तो यह छाम नाम का या झाम नाम का जो डांस है, यह बुद्धिस्ट मंक के द्वारा किया जाता है। अगला है थोड़ा, बेस्ड ऑन द मैरिटल आर्ट डांस ऑफ अर्चित। इसमें तीर कमान लेकर डांस करते हैं और शादीवादी दिखाते हैं इसमें। ये थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश का एक डांस है। इसके अलावा नटी, डांगी, चपेली, झोरा, झाली एंड झमकरा। देखिए कितना अच्छा नाम है, झोरा, झाली एंड झमकरा। ये सारे तीनों, झोरा, झाली और झमकरा, ये तीनों के तीनों हिमाचल के फोक डांस है। चपेली हिमाचल का डांस है, डांगी हिमाचल का डांस है एंड नटी, ये हिमाचल प्रदेश के फोक डांस है। अब चलते हैं अगला स्टेट, जो कि है पंजाब। पांच नदियों के दोआब में बसा हुआ पंजाब, इसीलिए इसका नाम ही पंजाब है। यहाँ का जो डांस है आपको पता होगा भैया, पंजाब के लोग बड़े मस्त होते हैं। तो यहाँ का जो चर्चित डांस है वो है भांगड़ा। कोई बहुत बड़ा रूल रेगुलेशन नहीं है इस डांस में, बस बल्ले बल्ले कर दो। तो ये जो भांगड़ा है ये मेल के द्वारा होता है, ये पुरुषों का डांस है, इसमें महिलाएं इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको लेके एक बड़ा सा नगाड़ा ढोल लेके भाग भाग पीटते हैं और कूद फांद मचा देते हैं। तो ये हो गया भांगड़ा पंजाब के लोगों को। भाई अगर किसी का सेंटीमेंट हर्ट हो तो थैंक्स, सॉरी। तो भांगड़ा जो है वो मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद है गिद्दा, ये भांगड़ा का ही जो है फीमेल वर्जन है। जैसे अगर मेल भांगड़ा करेगा तो महिलाएं क्या करेंगी, गिद्दा करेंगी। वो उधर उनको उछल कूद मचाना है तो वो गिद्दा नाम से डांस करती हैं। दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके से होते हैं, बस वो मेल जब करता है तो भांगड़ा कहलाता है, फीमेल जब करती है तो गिद्दा कहलाते हैं। इसके अलावा झूमर, झूमर जो है ये हार्वेस्ट डांस ऑफ सिख ट्राइबल का है। सिख ये जनजाति लोग के जो है वो जब हार्वेस्ट होता है, जब फसल कटती है तब जो डांस करते हैं उसको बोलते हैं झूमर। हाथ पकड़ पकड़ के और ढीले ढाले वस्त्र पहन के ये डांस करते हैं सिख के लोग, खासकर स्त्रियां, और इसको बोलते हैं हार्वेस्ट डांस या फसल पक जाने पर ये होता है। इसका ओरिजिन हुआ था बलोच मर्चेंट्स के द्वारा, बलूचिस्तान से आए हुए व्यापारियों के द्वारा। पाकिस्तान का बलूच प्रांत, वहां पर आज भी ये डांस होता है। पाकिस्तान के बड़े इलाके में सिख लोग रहते भी हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले स्टेट पर, जो कि है राजस्थान, वीरों की धरती राजस्थान। यहाँ पर जो सबसे चर्चित डांस है घूमर, जिसमें पद्मावती देखी होगी, वहां पर घूमर देखा होगा, ठीक है। तो घूमर डांस जो है ये वुमेन ऑफ भील ट्राइब, इसकी शुरुआत हुई भील ट्राइब से, ठीक है। भील नाम की जो जनजाति है ये उसी के द्वारा इसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे महलों की शोभा बन गया और राजा के रजवाड़ों में डांस होने लगा। घूमर देखा होगा आप लोगों ने, ये राजस्थान की डांस है भील ट्राइब की। फिर है कलवेलिया, ठीक है, मूव सिमिलर टू द सरपेंट्स बीन इज ए पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट यूज इन इट। ये कलवेलिया जनजाति का डांस है, राजस्थान की कलवेलिया जनजाति है, उसके द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस है, वहीं से शुरू हुआ था। और ये जो है इसके जो मूव्स हैं वो सपेरे जैसे सरपेंट्स के, मतलब ये नागिन टाइप का डांस, ठीक है, एकदम नागिन वाला नहीं कह सकते हम, नागिन तो सपेरा, पता नहीं कौन नाग कौन सपेरा, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि ये डांस जो है कहीं ना कहीं सांपों की विधा का डांस है। मतलब सपेरे ओपेरे इसमें दिखाए जाते हैं और बीन जरूर बजता है इसमें। बीन जो है, बीन जानते होंगे, सपेरों के पास होता है ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें
जो है वो यूज होता है। तो ये कलवेलिया जनजाति का है और ये सरपेंट्स, इसमें मूव्स जो है जो होते हैं वो सरपेंट्स की तरह किए जाते हैं। उसके बाद है तेरा ताली, उसके बाद है कच्ची घोड़ी, उसके बाद है चारी और उसके बाद है कठपुतली। ये सारे के सारे जो है वो राजस्थान के बहुत ही चर्चित डांस हैं। ठीक है, ये सारे कहाँ के डांस हैं? राजस्थान के। तेरा ताली, ये तेरा ताली जो है वो राजस्थान में एक बहुत ही चर्चित जो है संत हुए पी रामदेव। ठीक है, रामदेव जी जो है संत, उनके जो अनुयायी हैं वो तेरा ताली करते हैं। उसके बाद कच्ची घोड़ी, ये भी एक चर्चित जो है डांस है वहाँ का, कहाँ का? राजस्थान का। और उसके बाद जो है ये एक और डांस है, आपको पता होगा, कठपुतली, जिसे पपेट डांस भी बोलते हैं। ये तो कई जगह पे होता है, लेकिन इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ है? ये इसका ओरिजिन है राजस्थान में। उसके अलावा एक होता है डांस झूलर, ये भी राजस्थान का है, लिख लीजिएगा, झूमा झूलर, ये भी राजस्थान का डांस है। चारी भी वहीं का है। तो ये राजस्थानी डांसेस हैं, राजस्थानी फोक डांसेस हैं। इसके बाद ले चलते हैं आपको गांधी के स्टेट गुजरात, सरदार पटेल के स्टेट गुजरात, नरेंद्र मोदी के स्टेट गुजरात, जहाँ पे चर्चित है गरबा। आपको पता है नवरात्रि के उपलक्ष्य में ये डांस होते हैं गरबा। ठीक है, बहुत सारा देखा होगा आपने गुजराती डांसेस में, कई सारे सीरियल्स में गरबा बहुत चर्चित हुआ है। तो नवरात्रि के उपलक्ष्य में गुजराती महिलाओं के द्वारा जो डांस किया जाता है, मेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें, उसको गरबा बोलते हैं। उसके बाद है डंडिया रास, रास जैसे रास लीला, यहाँ पे डंडिया डंडा लेके हुए, तो डंडिया रास है। एक्चुअली ये जो दुर्गा पूजा है उसकी थीम पे है ये। एक इसमें सबको मेल और फीमेल को दो दो डंडे पकड़ा देते हैं छोटे छोटे, और फिर उनके उसको आपस में टकराना होता है। इसमें स्टिक जो है वो डिपेक्ट करता है, इंडिकेट करता है, ये शो करता है सांकेतिक रूप से, फाइट बिटवीन द गॉडेस दुर्गा एंड द महिषासुर, कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक युद्ध को दिखाता है। क्या वो छोटी सी स्टिक जो है जो यूज करते हैं, तो उसमें इंडिकेशन है। एक्चुअली बेसिकली डंडिया रास गुजरात का जो है, ठीक है, गुजरात पता है ना, गुजरात में ही भगवान श्री कृष्ण की द्वारका पड़ती है। तो यहीं पर जो है ये जो है डंडिया रास जो है वो होता है। उसके बाद है फिर ये जो अगला डांस है गुजरात का, इसको बोलते हैं टिपानी। ठीक है, टिपानी, फिर हुडो, फिर भावी भवाई। ठीक है, ये सारे डांस हैं, टिपानी, हुडो, भवाई, ये सारे जो है ये गुजरात के डांस हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र या बंबई स्टेट पहले बोलते थे इसको, इसका डांस है ये कोली, ये कोली जनजाति के द्वारा किया जाता है ये डांस। ठीक है, और इस डांस में फीमेल और मेल दोनों लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद है लावड़ी, फिर गाफा, फिर नकटा, फिर दशावतार, फिर बोहाड़ा, ये सारे डांस महाराष्ट्र के हैं। लावड़ी, गाफा, नकटा, दशावतार, फिर बोहाड़ा, ये सारे के सारे महाराष्ट्र के फोक डांसेस हैं। ये सारे, अभी लोक नृत्य की बात की है हमने, किसी भी शास्त्रीय नृत्य की बात नहीं की है। शास्त्रीय नृत्य मैंने बताया कि वो अलग तरह की विधा होती है, प्राचीन भारतीय पौराणिक ग्रंथों पर आधारित होते हैं वो, उसको करने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। साथ ही साथ उसको ज़्यादा लोग एक साथ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए जो डांस है, नौटंकी हो गया, भांगड़ा हो गया, शोहर हो गया, झूमर हो गया, धामली हो गया, ठीक है, छाम हो गया, उसके बाद घूमर हो गया, उसके बाद कलवेलिया हो गया, गरबा हो गया, इसको क्या करते हैं? कितनी भी लोग हों, 500, 1000 लोगों गरबा कर लें, ठीक है, भांगड़ा कर लें, तो इसमें कोई संख्या नहीं है। और किसी स्पेशल अवसर पे नहीं, मतलब कभी भी त्योहार तीज है तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पहनावे की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। अब इसके तो ये तो हो गए आपके जो है फोक डांसर्स। अगर आपसे कोई पूछता है क्लासिकल डांसर्स के एक दो एग्जांपल बता दीजिए, तो आप भरतनाट्यम का, कथकली का, कुचिपुड़ी का, मोहिनीअट्टम का नाम ले लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे आएंगे और फिर हम वहाँ पे बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांसर्स के बारे में। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म हुआ। आप राज्य वाइज एक के बाद एक जो है डांसर्स को याद रखिए, उनमें कुछ स्टेप्स के बारे में याद रखिए कि कौन करता है। इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।